नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुब्रमण्यम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में एनसीसी कैडेट्स ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पढ़ाई के लिए एक कोटा गए बस्तर के 72 बच्चे पहुंचे शहर। पालकों के लिए रहा सुकून भरा पल। सभी बच्चे 7 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगे अपने अपने घरों में। 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने की अमृत योजना ठप। पाइपलाइन बिछाने का कार्य पड़ा हुआ है अधूरा। और घर लौटने की खुशी झारखंड के मजदूरों के चेहरे पर। मजदूरों के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री ने भेजी बस। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में एनसीसी कैडेट्स ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। कोरोना संक्रमण के इस विपत्ति काल में इस संक्रमण से बचाने के लिए डॉक्टर जो प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय है। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को जीवन देना सचमुच अद्भुत कार्य होता है। इसी योद्धाओं के सम्मान में आज बुधवार को एनसीसी कैडेटों ने बुधवार की सुबह मारहानी अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टरों और पूरे स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। डॉक्टरों को यूं ही धरती का दूसरा भगवान नहीं कहा जाता। खतरे को जानते हुए भी जान की परवाह किए बिना सीमित संसाधनों के बीच दिन रात कोरोना वायरस की महामारी को परास्त करने में ये डॉक्टर्स डटे हुए हैं। इनके हौसले और जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। शहर के महारानी अस्पताल में भी कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टरों और नर्सों को एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डॉक्टरों ने इस पल को काफ़ी यादगार पल कहा। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि हमने बताया कि कोरोना वॉरियर्स जो टीम है हमारी, उसको वो जो लड़ रहे हैं उसके लिए एनसीसी के जो कैडेट्स हैं और उनका परिवार, जिस तरह से उन लोगों ने हमारा उत्साहवर्धन किया, हम उससे गदगद हैं। और ये जाहिर बात है कि ये बीमारी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है, यानी ज़िंदगी में हमने कभी तो अनुभव इसके पहले ऐसा किया नहीं था। और जो भी हैं देख रहे हैं इस बीमारी को, उनके लिए ज़िंदगी भर का अनुभव रहेगा। और ये खतरनाक बीमारी है और इससे लड़ने में जो लोग आगे आ रहे हैं, अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सर, जो अभी कोरोना के हुआ, आप घर परिवार छोड़ के आ गए हैं? नहीं, अब जब हमने स्वास्थ्य विभाग में कमर कस लिया है कि किसी भी बीमारी को दूर करेंगे, तो हमारे जो स्टाफ हैं, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनमें अभी किसी प्रकार का डर अब है नहीं। ये बात 100% सच है कि चिकित्सा व्यापार नहीं, मिशन है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से पूरा विश्व इन दिनों दहल उठा है। पीड़ित होने की आशंका से ही लोग अपनों से दूरी बना ले रहे हैं। ऐसे में चिकित्सक अपने सहयोगियों के साथ विषम परिस्थिति में दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। इन टीमों द्वारा पीड़ितों की मदद की जा रही है। इनके सम्मान में क्या कह रही हैं मेजर अनुजा चतुर्वेदी, आइए सुनते हैं। आज के दिन हमारे कैडेट्स सब मिल करके हम लोग गार्ड ऑफ ऑनर देंगे हमारे यहाँ के सारे डॉक्टर्स और उनके स्टाफ को। इनकी वजह से ही आज हमारा स्टेट या हमारा जो राज्य है, क्या बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़, ये हमारा इन्हीं की वजह से सुरक्षित और स्वस्थ है। हमारे यहाँ जितने कम से कम केस हैं, शायद इन लोगों की मेहनत और जद्दोजहद की वजह से ही हम लोगों के ज़्यादा, सब पूरे इंडिया में सबसे कम केस हमारे यहाँ हैं। सिर्फ इसी इसका कारण ये लोग हैं। इनकी जितनी ही तारीफ और जितना ही इनका उत्साह हम लोग बढ़ाएँ, उतना कम है। इसके लिए हम लोगों ने हमारी तरफ से एक प्रोत्साहन किया है कि हमारे कैडेट्स आज सभी यहाँ खड़े होकर के उनको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। और आप सभी को पता है कि गार्ड ऑफ ऑनर की वैल्यू क्या है। ये किसी VIP या बहुत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आपने TV पर देते हुए देखा होगा, उसको ये उस लेवल की एक्टिविटी है। उसको हम लोग ये सम्मान देकर के हमारे कैडेट ये जताएंगे कि उनकी अहमियत हमारे दिलों में कितनी बड़ी है, डॉक्टर्स की और उनके सहयोगियों की। राहत की बात यह है कि बस्तर में अब तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। इनके नहीं होने का सबसे बड़ा कारण कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ और बस्तर के सभी लोग सुरक्षित हैं। एक ओर जहां अन्य देशों में काफ़ी कोरोना मरीजों की संख्या को देखा गया, वहीं छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम मरीज पाए गए हैं। कोरोना योद्धाओं की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में CG गर्ल्स बटालियन NCC परचनपाल, CG बटालियन धर्मपुरा, NCC अधिकारी कन्या क्रमांक 2, हायर सेकेंडरी घाट लोहंगा, PG कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि सभी जगह के करीब 20 NCC कैडेट मौजूद थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर द्वारा
अब दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित किया जाना है। पूर्व में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानों को संचालित करने की अनुमति दी गई थी, जिसका दुकानदारों ने पालन भी किया और अब शाम 4 बजे से ही अपने अपने दुकानों को दुकानदार बंद कर देंगे। हम आपको बता दें कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। आम नागरिक भी जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बस्तर जिले को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। जन जन तक 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शासन ने अमृत योजना शुरू की है। शहर में भी इसी योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन आज पर्यंत यह योजना पूरी नहीं हो पाई है। कार्य को बीच में ही ठेकेदार द्वारा पलायन कर छोड़ देना इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है। नगरवासियों को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से अमृत योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत पूरे शहर में लगभग 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जानी थी, लेकिन कंपनी द्वारा एक तिहाई कार्य भी पूरा न कर पलायन किए जाने से ये पूरी योजना बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। हम आपको बता दें, फिल्टर प्लांट का कार्य केवल 20% ही हो पाया है। कुल 6 ओवरहेड टैंक बनाए जाने थे, जिनमें से सिर्फ 4 का ही निर्माण हो पाया है। पाइपलाइन बिछाने के कार्य की भी कमोबेश यही स्थिति है। पाइपलाइन बिछाने के लिए जगह जगह गड्ढे तो किए गए हैं, लेकिन कार्य के अधूरे रहने से दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। इधर नगर निगम लॉकडाउन के समाप्त होने के इंतजार में है। उसको सर हम लोग नोटिस पहले दे चुके हैं, बहुत नोटिस दिए हैं, है ना। वो कोरोना के ख़त्म हो जाए तब वो जाके रिक्वेस्ट करेगा, मिलेगा, करना है। तो अभी कोरोना ख़त्म 17 तक तो उससे बाद ही डेट है, है ना, जाएगा। हमने पूरी तैयारी कर ली है, हमने नोटिस दे के उसको लीगल नोटिस भी दे दिए हैं, है ना। अब वो उसको उसी ऊपर है कि क्या करना चाह रहा है। मतलब अगर ठेकेदार काम करना चाहे तो आगे काम करे, कर सकता है, काम को छोड़ दे, दूसरे ठेकेदार रिटेंडर करके काम कराएंगे। ठीक है सर, नगर वासियों के लिए जल आपूर्ति की समस्या का समाधान कब होगा और निगम की महती अमृत योजना का कार्य आखिर कब पूरा होगा, ये एक सवाल बनता जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बारिश के दिनों में विद्युत लाइन के आसपास लगे पेड़ों के द्वारा विद्युत तार को क्षति पहुंचती है, जिसके चलते इन पेड़ों की टहनियों को काटने की कार्यवाही विद्युत विभाग के द्वारा की जा रही है। कुम्हारपारा सड़क पर की गई इस कार्यवाही के बाद पेड़ों की टहनियां 3 दिनों से पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें अब तक हटाया नहीं जा सका है। वहीं विद्युत विभाग के द्वारा इस तरह के मेंटेनेंस कार्य किए जाने के बावजूद हल्की सी बारिश में बिजली गुल होने की समस्या से शहरवासियों को निजात नहीं मिल रही है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी व्याप्त है। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। लॉकडाउन में फंसे एनएमडीसी नगरनार में कार्य कर रहे झारखंड के मजदूरों के चेहरे में मंगलवार को खुशी देखी गई। इनके लिए वापसी हेतु झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बस भेजी गई थी। घर जाने के लिए ये मजदूर काफी व्यग्र दिखे। नगरनार इस्पात संयंत्र के विभिन्न कंपनियों में कार्य करने वाले झारखंड के मजदूरों के चेहरे में प्रसन्नता झलक रही थी।
क्योंकि ये मजदूर अपने अपने घरों को लौट रहे थे। हम आपको बता दें कि मजदूर लॉकडाउन के दौरान नगरनार इस्पात संयंत्र में विभिन्न जगहों में फंसे हुए थे। इन्हें घर भेजने हेतु झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा मजदूर सम्मान रथ के नाम से बस भेजा गया था, जिसमें विगत मंगलवार 5 मई को 14 मजदूरों को भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पूरे बस को सैनिटाइज किया गया, मजदूरों को मास्क दिया गया। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूरे बस में सिर्फ 14 मजदूरों को ही बिठाकर रवाना किया गया। बस में सवार मजदूरों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। नगरनार, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। मुख्यमंत्री जी भेजे आपके लिए बस? हाँ हाँ। आपका क्या नाम है? बरजू महतो। कहाँ रहने वाले? रहने वाले झारखंड का। कौन सा जिला? चतरा जिला। तो एनएमडीसी में कब से काम कर रहे हैं? वो हम आए थे सितंबर में। तो अभी काम चल रहा है या रुका हुआ है? अभी रुका हुआ है, इसलिए घर वापस जा रहे हैं। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार महतो, ग्राम का दया, जिला चतरा, झारखंड के रहने वाले हैं। एनएमडीसी में काम कर रहे थे, फर्नीचर का वर्कर था। हम लोग का एक्चुअली लास्ट हो गया था वर्किंग, इसके अंदर भी लॉकडाउन में आप फंस गए थे, नहीं तो आप वापस चल दिए होते। मार्च के पहले ही जाने वाले थे। चलिए ठीक है भाई। एनएमडीसी में कार्य कहे झारखंड के अन्य मजदूरों को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। लॉकडाउन के दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात हैं, इसके बावजूद बिना नंबर की गाड़ियां शहर की सड़कों पर बेखौफ दौड़ रही है। इसी तरह एक मालवाहक वाहन जिसके पीछे नंबर अंकित नहीं है, लेकिन आड़ावाल की तरफ से होते हुए जगदलपुर शहर की ओर आसानी से प्रवेश कर गई। इसी तरह सड़कों पर बिना नंबर वाले वाहन इन दिनों आसानी से देखे जा सकते हैं। कोटा से लौटकर कांकेर में क्वारंटाइन किए गए बस्तर के 72 बच्चे मंगलवार की आधी रात शहर के वीर सावरकर भवन पहुंचे, जहां उनके माता पिता द्वारा उन्हें अपने अपने घर ले जाया गया। पालकों के लिए ये काफी सुकून भरा पल रहा। मंगलवार की रात उन पालकों के लिए काफी सुकून भरा रहा, जिनके बच्चे कोटा से कांकेर में क्वारंटाइन किए गए थे। वे सभी बच्चे सकुशल मंगलवार की मध्यरात्रि शहर पहुंचे, जिनका स्वागत विधायक रेखचंद जैन द्वारा किया गया। कोटा से आए 72 बच्चे शहर के वीर सावरकर भवन पहुंचे, जहां उनके माता पिता इंतजार कर रहे थे। ये सभी बच्चे 7 दिनों तक अपने अपने घरों में क्वारंटाइन रहेंगे। इस दौरान अभिभावकों ने हमें बताया, थी बच्चे के साथ ही मैं थी कोटा में, यानी मेरे को तो ऐसे लगता था कि मैं कभी घर पहुंच पाऊंगी कि नहीं। अच्छा। माहौल को देखते हुए, क्योंकि वहाँ कोटा में भी बहुत ज्यादा फैल रहा था ना बीमारी, तो डर लगता था। एक तो अकेली लेडीज इतने दूरी जगदलपुर से कोटा की बच्चे के साथ फंसी हुई हूँ, तो आ गई तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है मन में कि चलो अपने घर पहुँच गए। परिवार के साथ रहो, सुख दुख बीत जाता है, अकेले रहो थोड़ा डर लगता है ना मन में। आप कैसे चली गई थी? मैं बच्चे नहीं, बच्चे को लेने के लिए गई थी। उसी वक्त क्या कोरोना का लॉकडाउन बढ़ते ही गया, फिर उसी वजह से फंस गई थी। तकलीफ तो यही था कि 80 बच्चों का हॉस्टल था, अगिने चुने हम लोग 8-10 बच्चे उसमें बचे थे, जिसमें एक पेरेंट्स थी, एक मेरे जैसी ही एक और पेरेंट्स थी, वो झारखंड से थी। अच्छा। तो क्या है कि हम कुछ चीज़ का जैसे बोलते भी थे कि हमको ये चाहिए, तो उन लोग साफ बोलते थे लॉकडाउन है मैडम, कुछ नहीं कर सकते, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट ही करते करते चल रहे थे। कितने दिन लगभग फंसी थी आपको? मेरे को तो 2 महीना हो गया, 2-3 महीना। अच्छा। पहले से ही गई थी, इसके पापा बोले थे बच्चे का एग्जाम का टाइम है, स्ट्रेस रहता है दिमाग में, तो थोड़ा उसके साथ रहो करके। अब मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा परिस्थिति आ जाएगा कि इतना लंबा फिर रुकना पड़ेगा। सरकार की भी पहल बहुत अच्छी है, प्लस हमारे रेखचंद जैन जी ने भी बहुत अच्छा हेल्प किया, विधायक का भी इसमें हेल्प है। दूसरी चीज, एलएन वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, राजस्थान सरकार ने भी बहुत सपोर्ट किया कि अपने अपने बच्चों को ले जाइए, उनका भी वो था, इसलिए सभी का बहुत सहयोग है, जिसके कारण बस हम लोग यहाँ पहुँच पाए। ठीक है, जब तक हम लोग का जांच नहीं हुआ तब तक तो हम लोग को, यानी कि वहाँ जहाँ रखे थे क्वारंटाइन सेंटर में, वहाँ अंदर तक अलाउ नहीं किए, बिल्कुल बाहर ऐसे रखे थे, फिर टेस्ट हुआ, उसका रिजल्ट आया, उसके बाद ही हम लोग को अंदर अलाउ किए थे।
अन्य बच्चों को बीजापुर, कोंटा, सुकमा के लिए भी रवाना किया गया। हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की पहल पर हम सभी को जो निर्देश दिया गया था कोटा के बच्चों का डाटा कलेक्शन के लिए, तो हमने डाटा कलेक्शन किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और बस्तर से पूरे संभाग से 152 बच्चे जो कोटा में पढ़ रहे हैं उनकी सूची मुख्यमंत्री जी को प्रेषित की। जगदलपुर से 62 बच्चे कोटा में थे उनकी भी लिस्ट भेजी और आज यहाँ के गार्जियन के लिए बहुत ही सुखद पल है कि जिन बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थे आज हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल पर ये काम संपन्न हो गया और बच्चे अपने घरों को आ गए हैं। मैं सभी बच्चों से, उनके गार्जियन से माफ़ी भी चाहूँगा कि किसी प्रकार की आने में, रुकने में किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो जगदलपुर के विधायक होने के नाते मैं क्षमा भी चाहूँगा। और उनका जो सहयोग, उनके गार्जियन का, बच्चों का जो सहयोग इस पूरे काम में मिला, इसमें जिला प्रशासन भी पूर्ण रूप से अच्छी भूमिका निभाया, सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और कोरोना महामारी जो चल रही है उसका अभी तक उचित इलाज नहीं आ पाया है। मैं सभी गार्जियन से, बच्चों से यही अपील करूंगा कि जिस सुखद पल पर वो यहाँ पहुँच चुके हैं, 14 दिन का क्वारंटाइन जो उनके होम पे रहना है बिल्कुल इसका पालन करें, जिससे इस महामारी से हम लोग निजात पा सकें। और मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, एक अहम पहल करके बच्चों को उनका अधिकार, उनको जगह, उनके माता पिता की खुशी का जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मजदूरों के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी पहल कर चुके हैं, केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा था, उनको लाने के लिए तकलीफ हो रही थी, तो हमारे कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया जी, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी है कि जो भी मजदूर छत्तीसगढ़ के बाहर प्रदेशों में है उनको लाने का जिम्मा पूरी कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ की सरकार पूरा करेगी और इस दिशा में काम भी शुरू हो चुका है और पूरे डाटा कलेक्शन किए जा रहे हैं और शीघ्र ही उन मजदूरों को भी ले आया जाएगा। बच्चों के लौटने से निश्चित ही अभिभावक चिंता मुक्त हुए। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में एनसीसी कैडेट्स ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पढ़ाई के लिए एक कोटा गए बस्तर के 72 बच्चे पहुंचे शहर। पालकों के लिए रहा सुकून भरा पल। सभी बच्चे 7 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगे अपने घरों में। 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने की अमृत योजना ठप। पाइपलाइन बिछाने का कार्य पड़ा हुआ है अधूरा। और घर लौटने की खुशी झारखंड के मजदूरों के चेहरे पर। मजदूरों के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री ने भेजी बस। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।